सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल एंड आज आपको मैं ऑटोगेमी बताऊंगी ऑटोगेमी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है सो अकॉर्डिंग टू द ऑटोगेमी गेमी देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर ओके सो फर्स्ट वन इज चेजमो फ्लावर तो मैं आज आपको विजुलाइज कराऊंगी चेज्मो फ्लावर और आफ्टर दैट क्लिस्टोगेमस फ्लावर से ओके okay. सो so, मैंने थोड़ी सी कोशिश तो की है कि आपको थोड़ा सही से दिखाऊं तो आप इस फ्लावर में देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करती हूँ यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेल पार्ट है ठीक है एंड जो फ़ीमेल पार्ट है जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो क्या है ओपन है यहाँ पर ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको अंडरस्टूड कराऊंगी चेस्मोगेमस फ्लार सो दीज टाइप ऑफ फ्लार क्या होते हैं ऐसे टाइप्स के फ्लार क्या होते हैं इनको हम चेस्मोगेमस बोलते हैं ये क्या होते हैं ओपन होते हैं फर्स्टली आपने अभी देखा होगा फ्लार के अंदर कि ये जो रोज़ का फ्लार मैंने लिया है इसके जो आ, आ, एंथर है और जो स्टिग्मा है वो दोनों ओपन है ठीक है अब सेकंड क्या है एक्सपोजिंग एंथर एंड स्टिग्मा अब यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा जो है बिल्कुल एक्सपोज है इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है ओके okay. सो so, अब इनमें क्या हो सकता है अगर कोई भी कवरिंग नहीं है तो मे बी सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है इनमें और क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस होते हैं ओके सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द चेजमो फ्लावर दैट इज पोलिनेटिंग एजेंसी रिक्वायर्ड अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है तो क्रॉस पॉलीशन के लिए बेटा रिक्वायरमेंट होती है किसी न किसी पोलिनेटिंग एजेंसी की या पोलिनेटर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है ओके सो जो, जो चेज्मो गेमस फ्लार होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं यानि ज़्यादातर क्या होते हैं है? कलरफुल होते हैं ओके तो अब आप एक बार और देखिए कि ये मैंने एक रोज़ का फ्लार लिया है पहली फर्स्ट थिंग क्या है कि ये एक ओपन फ्लार है ओके सेकेंड थिंग क्या है कि इसमें जो एंथर्स हैं और जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो एकदम क्या है एक्सपोज है ओके okay. अब चांसेस क्या बनते हैं कि या तो ये एंथर यहाँ पे स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएंगे तो मे बी सेल्फ पोलिनेशन भी हो जाए ओके okay. और चांसेस क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस भी हैं क्युं? क्यों क्योंकि ये जो फ्लार है ये पूरा ओपन है इसीलिए ओके okay. अब अगर क्रॉस पॉलीनेशन होता है तो इसमें पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है ओके okay, अब इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं ज्यादातर कलरफुल फ्लावर्स इसमें मिलेंगे जो इनके पेटल्स होंगे वो कलरफुल होंगे सो so, ये तो हुआ चेजमोगेमस फ्लार एंड नाउ कम टू द क्लिस्टोगेमस फ्लार सो बेटा क्लिस्टोगेमस फ्लार को पहले आप देखिए कि यहाँ पर ये क्लिस्टोगेमस यानी कि क्लिस्टोमीस क्लोज ये बिल्कुल क्लोज फ्लार है यहाँ पर क्या है कि एंथर एंड स्टिग्मा जो है वो कोई भी एक्सपोज नहीं दिख रहे हैं ठीक है अब एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं है और कवरिंग बहुत अच्छे से हो रखी है इनकी तो यहाँ पर चांसेस किसके बनते हैं क्रॉस पॉलीनेशन के तो कोई चांसेस है ही नहीं यहाँ पर यहाँ पर हंड्रेड परसेंट चांसेज होते हैं सेल्फ पॉलीनेशन के ओके अब सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस है तो यहाँ पर पोलिनेटिंग एजेंट या पोलिनेटिंग एजेंसी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ओके यहाँ पर इस तरीके के जो फ्लावर होते हैं उसमें जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंगल नहीं होते मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है वो मोस्टली क्या होते हैं वाइट कलर के होते हैं और कलरलेस होते हैं तो कलरलेस मीन्स वाइट ही कलर होता है ओके okay. सो so, आप एक बार इसके पॉइंट नोट कीजिए कि जो हमने क्लिस्टोगेमस फ्ला फ्लार पढ़ाया है अभी देखा है हमने तो वो क्या है फर्स्ट थिंग इज़ क्लोज है वो आपको मैंने दिखा दिया है सेकेंड थिंग इज एंथर एंड स्टिग्मा नॉट एक्सपोज एंथर स्टिग्मा क्या है एक्सपोज नहीं हो रहे हैं तो चांसेस किसके बनते हैं हंड्रेड परसेंट सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस में बनते हैं ओके एंड पोलिनेटिंग एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड ओके इस तरीके के फ्लार में पोलिनेटिंग एजेंसी जो है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और फ्लार जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नॉट मच वैरायटी बहुत ज़्यादा इसमें आपको वैरायटी देखने के लिए नहीं मिलेगी ज़्यादातर जो क्लिस्टोगेमस फ्लार होते हैं हमारे वो वाइट कलर के ही होते हैं कलरलेस होते हैं ओके बेटा सो आई होप आज आपको चेज्मोगेमस uh, फ्लार और क्लिस्टोगेमस फ्लार अच्छे से समझ में आया हो सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू